पिता जब पहली बार अपने बच्चों को गोद में उठाता है वो पल उसका जीवन का बहुत खुशहाल पल होता है। पिता पुत्रों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत और धन्य होता है। बेटे के जन्म से लेकर उसके जीवन को आकार देने में पिता की अहम भूमिका होता है। पिता अपने बेटे को हमेशा मूल्यवान सबक सिखाता है और उसे सही दिशा में ले जाता है। वो अपने बेटे के बचपन में उसका दोस्त, मार्गदर्शक और शिक्षक और सबसे अच्छा साथी बन जाता है। बचपन की शुरुआती दिनों में बेटा अपने पिता को देखता है जो उसको हीरो और प्रेरणा देता है। वो अपने पिता को आदर्श मानता है, अपने बच्चों को पीठ पर बिठाकर दुनिया दिखाते हैं। अक्सर माँ बाप अपने हिस्से का खुशियाँ लुटाते हैं। भाई मूड में है क्या? कोई कुछ भी कहे, ये बात पक्की होता है, पिता की डांट में भी बेटे की तरक्की होता है। कंधे पर बिठाकर पूरा दुनिया दिखाते हैं। पापा अच्छे बुरे की समझ हमको सिखाते हैं। देखो कैसे खा रहा है, अभी कैसे खा रहे हो? और भी सुंदरी दिखाओ, आपका कौन सा कलर है? पर्पल कलर। यू आर ईटिंग पर्पल कलर चॉकलेट। एंड भाई अभी पिंक कलर, राइट, यू आर करेक्ट। पर्पल कलर पापा को नहीं दोगे? आप दोनों एंजॉय करोगे? ओके, गुड्डू 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 गुड्डू। आप दे दो भाई को, आप भाई का आप थोड़ा लो, अल्टरनेट करो। पिंक कलर, यस। और आप बजाओ अभी। जब उसका पिता उसका खिलौना ठीक करते हैं या उसे हवा में ऊपर उठाते हैं तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये देखो, ये टुन टुन टुन। उसका भी ऑपरेशन कर दो बाबा, उसका भी ऑपरेशन कर लो, इसको भी लो, इसका ऑपरेशन कर दो। खेलते रहो खेलते रहो। वो अपने पिता को हरकुलस से भी ज्यादा ताकतवर या आइंस्टाइन से भी ज्यादा बुद्धिमान मानता है और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। वो उनके जैसा खाना, कपड़ा पहनना और यहाँ तक भी उनके जैसा चलना भी पसंद करते हैं। वो उनके साथ समय बिताना चाहते हैं और अपना पिता का एक छोटी सी तारीफ ही उनका दिन बना देती है। एक बेटे की नज़र में हमेशा उसका पिता उसका सुपर हीरो होता है और साथ ही बेटे के समय के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों भी समझ में आने लगती है। अभी यहाँ पे अपने माँ के साथ खेलते हुए, माँ को प्यार करते हुए खेल रहा है। अभी उसकी बड़ी सिस्टर भी आ गई। मम्मी, अभी और उर्वी तीनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं। एक पिता अपने परिवार और बेटे को पालने पोसने के लिए खुद के कई सपनों को मार देता है। पिता अपने बेटे के सबसे अच्छा दोस्त और सब चिंतक बनने की कोशिश करता है और इस वजह से पिता और बेटे के रिश्ता इतना खास होता है। बचपन में हर एक बच्चे अपने पापा को काम से लौटने का इंतजार रहता है। तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी। पिता और पुत्रों दोनों ही कई ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो उनके रिश्ते को मजबूत बनाती है। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, माता पिता और बच्चे के बीच का रिश्ता विकसित होता है और साथ ही एक दूसरे के प्रति उनके प्यार भी बढ़ता है। पिता वो होते हैं जो अपने बच्चों में अपनी जीत दिखना चाहते हैं। पिता को अपने बेटे पर तब सबसे ज़्यादा गर्व होता है जब लोग उनके बेटे के ही पहचान से जानने लगते हैं। इस दुनिया में जीना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर माँ बाप के बिना
पूरा दुनिया जीना नहीं सिखा पाती है। अपने बेटे के जीवन के शुरुआती दौर में ही आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करें। उसे उसका जीवन को प्रभावित करने वाले कुछ बड़े फैसलों में शामिल करें। उसे याद दिलाएं कि असफल होना ठीक है, लेकिन हार मानना ठीक नहीं है। उसे सिखाए कि क्या सही है। कभी कभी गलत रास्ता आकर्षक लगता है, लेकिन ये आपको जल्द ही नीचे ले जा सकता है। डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं, लेकिन अपने बाप की बात अलग है। ये कोई शक नहीं आ। मासूम सी गुड़ी माँ। हाँ। तू मेरी जान है। माँ, अब ये क्या है? हाथ में क्या क्या लगा क्या? बाबा, ये क्या बन के आ गए आपने? आटा से गणेश जी बन गए क्या आपने? वाह बाबा, ये कौन? मम्मी हर हबी दोनों को देखो क्या स्टाइल है, दोनों काला चश्मा पहन के क्या स्टाइल कर रहे हैं, आज लगता है झंडा गाड़ ही देंगे। वाओ, लेट्स रॉक। आप अपने बच्चों के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। आपके बेटे को जीवन में कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए उसे सिखाए कि वो कम यात्रा किए गए रास्ते पर चलने से ना डरे। तुझे चाहूं तेरी खुशबू।